4774 बाल मजदूर के मामले, जुर्म की बेड़ियों में प्रदेश का बचपन, अपराध के अंधकार में प्रदेश का भविष्य, जिम्मेदार कौन? ये बेहद बड़ा सवाल है कि आखिरकार प्रदेश के भविष्य यानी बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति तेजी से क्यों पनप रही है और इसका जिम्मेदार कौन है। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए, पिछले 5 साल में 4774 बाल अपराध के मामले दर्ज हुए, वही साल 2009 में 1133 मामले दर्ज हुए। साल 2010 की बात की जाए तो 772 मामले दर्ज किए गए। साल 2011 के आंकड़े बताते हैं 661 मामले दर्ज किए गए। साल 2012 में 969, साल 2013 में 1198 बाल अपराध के मामले दर्ज हुए, वही साल 2014 में 1041 मामले दर्ज हुए। बाल अपराध के आंकड़े 2014 तक के ही फिलहाल उपलब्ध हैं, लेकिन ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। वही हरियाणा का सबसे आधुनिक और सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला गुड़गांव भी बाल अपराध के मामले में काफी आगे है। साल 2014 में गुड़गांव पुलिस ने जेजे एक्ट के तहत 40% मामले से ज्यादा दर्ज किए। इस साल अक्टूबर तक गुड़गांव में बाल अपराधों के 66 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 17 जुवेनाइल चोरी, 8 सेंधमारी, 7 शांति भंग के हैं। 4 जुवेनाइल के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामले भी दर्ज किए गए और इसके अलावा अन्यों के खिलाफ हत्या और अपराध के मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़े आईना दिखाते हैं कि आखिर किस कदर बच्चे अपराध की राह पर कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर प्रदेश के भविष्य को अपराध के अंधकार में जाने से कैसे रोका जाए। बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर कौन है इन सब का जिम्मेदार। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो उम्र छोटी जुर्म बड़ा, कुछ ऐसी ही तस्वीर है हरियाणा के बचपन की, जहां छोटी उम्र में बच्चे कुछ ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिससे प्रदेश का भविष्य खतरे में नजर आता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि 5 साल में करीब 5000 बाल अपराध के मामले, यानी करीब 5000 बच्चे पिछले 5 साल में आपराधिक मामलों में संलिप्त पाए गए। यह आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। आज इसी गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे और गंभीरता से जांच करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों प्रदेश का भविष्य अपराध के अंधकार की ओर बढ़ रहा है। हमारे साथ पंकज वर्मा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका। पहले तो मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये बच्चों में ये प्रवृत्ति अपराध के लिए क्यों बढ़ रही है? देखिए, इसके पहले सबसे पहले इसके पीछे की बात को स्टडी करना पड़ेगा। कि जैसा कि आपने बताया कि गुड़गांव में सबसे ज्यादा ऐसे केसेस हैं, गुड़गांव ही नहीं देश के बड़े जितने भी शहर हैं वहां पर ऐसी स्थिति है, बजाय रूरल एरिया की। बड़े शहरों में लोग बाहर से लोग आते हैं अपने रोजी रोटी कमाने के लिए, यहाँ पर माँ बाप अपने काम धंधे में इतने बिजी हो जाते हैं कि पीछे के से बच्चों को लुक आफ्टर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे अकेले रहते हैं, जो भी देखते हैं टीवी के थ्रू देखते हैं। टीवी के अंदर हमारी फिल्मों में और नाटकों के अंदर मारकाट या और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, मगर उसके पीछे की जो शिक्षा माँ बाप को देनी चाहिए वो माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। इस वजह से बच्चे अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उनकी मानसिक स्थिति ऐसी होती जा रही है क्राइम की। दूसरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बच्चों का मानसिक विकास करने में बहुत तेजी से हाथ है इसका, क्योंकि बच्चे आजकल 12-13 साल के बच्चे बहुत अच्छे से व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। फिर भी 12-13, हाँ बिल्कुल, एक समझ आ जाती है ना थोड़ी सी उसके अंदर, तो बहुत जल्दी बच्चे
आसपास की चीजों से वाजिफ हो जाते हैं, उनके मन में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है किसी चीज को जानने के लिए, तो वो उस चीज को जानने के लिए वो एक्ट करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि पॉस्को एक्ट के 3 मामले आए, तो ऐसा सही है? बिल्कुल डिटेल में हम आपके पास आएंगे सर और उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजें दर्शकों के साथ साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में कैसे 4,774 बाल अपराध के मामले सामने आए। साल 2009 की अगर बात करें तो 1,113 मामले सामने आए। साल 2010 की बात करें तो 772 मामले, ये जो हैं कि बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। साल 2011 की अगर हम बात कर लें तो ये 661 था ये मामला। 2012 में 969 मामले जो हैं वो सामने आए। साल 2013 में बात करें तो 1,198, यहाँ फिर ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जाता नजर आया। साल 2014 में अगर बात करें तो ये भी 1,000 के ऊपर है, 1,041 जो हैं वो मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे में ये चिंताएं जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं प्रशासन के भी। अब गुड़गांव के भी हम आपको आंकड़े जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे गुड़गांव में पुलिस ने जेजे एक्ट के तहत 40% ज्यादा मामले दर्ज किए हैं इस साल। अक्टूबर में गुड़गांव में बाल अपराध के अब तक अक्टूबर तक में 66 मामले दर्ज हुए। 17 जुवेनाइल चोरी, 8 सेंधमारी के मामले भी हैं, 4 जुवेनाइल के खिलाफ पॉस्को एक्ट, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे थे, आप जिस तरफ इशारा कर रहे थे पंकज जी, वो भी मामले जो हैं वो सामने आए हैं। ऐसे में इन तमाम चीजों के पीछे क्या क्या फैक्टर्स थे उस पर हम एक एक करके चर्चा करें। उससे पहले हम अगर अपराध को ही कैटेगराइज कर दें पंकज जी, तो चोरी के मामले हैं या इस तरह के मामले जो हैं कि कुछ छीन लिया किसी से जबरदस्ती, कुछ चोरी कर लिया, इस तरह के अपराध में किस मनोदशा में बच्चे जाते हैं आगे? देखिए, चोरी के मामले में मानसिकता कई तरह की हो सकती है। कोई गरीब बच्चा है, वो भुखमरी में है, वो चोरी कर रहा है, ठीक है। एक पढ़ा लिखा अच्छे परिवार का बच्चा है जिसको फैमिली से कुछ नहीं मिल रहा है, वो चोरी करता है कोई आध्यात्मिक चीज, किसी का मोबाइल चुरा लिया, किसी के कोई गहना चुरा लिया, किसी की बाइक चुरा ली, तो उन दोनों में फर्क है कि किस तरह मतलब की एक चोरी में तो जरूरत इन्वॉल्व है, हालांकि उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे उसको, मगर लेकिन दूसरी चोरी में अगर वही देखें तो इच्छाएं जो हैं वो इतनी ज्यादा हो गई कि आपके पास इतनी चीजें हैं कि आप आराम से रह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इच्छाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है, और चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, वो कंप्यूटर चाहिए, वो बाइक चाहिए, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी बच्चे जो है वो अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं। और तीसरी चीज है कि जघन्य अपराध, जैसे पॉस्को के कानून के बारे में हम बात कर रहे थे, वो उसके लिए सोर्स मैंने आपको बताया था सोशल मीडिया का या मूवीज वगैरह का, ये अलग अलग तरह की कैटेगरी है। जुनाइल जस्टिस एक्ट जब बनाया गया था, ये बच्चों के लिए सुधार के लिए बनाया गया था कि बच्चा अगर कोई गलती करता है तो उसे सुधार गृह में भेजा जाए, ना कि उसे जेल की जाए, ठीक है। अब जो है समय बदल गया है, ये बनाया था बहुत टाइम पहले बनाया था, और अब का जो माहौल है वो चेंज हो चुका है। उस वक्त ये सोच के बनाया गया था कि बच्चे अगर कभी गलती करते हैं तो उन्हें एक सुधार गृह में भेजा जाए, वहां पे उनकी केयर होती है, उनको शिक्षा दी जाती है कि ऐसे रहना, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, उनमें सुधार किया जाता है। मगर अब जो अपराधों की प्रवृत्ति बदल गई है, जैसे पॉस्को एक्ट की होगी या जैसे इच्छाएं पूर्ति करने के लिए बड़ी बड़ी मोबाइल, लग्जरी मोबाइल, लग्जरी गाड़ियां, मोटर बाइक्स वगैरह, ये चोरी करना, ये एक हाईटेक हो गई है कि इसमें ना आपकी मानसिक लेवल बहुत बढ़ गया, तब जाके आप ये चीज एक्ट कर पाते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, मेरा एक सुझाव है कि इसमें जुनाइल जस्टिस में कि अगर उनको सुधार गृह में भेजा गया है तो जब उनका पीरियड खत्म होता है, साल 6 महीने से शुरुआत होती है और मैक्सिमम 3 साल की सजा होती है, उसके बाद उन बच्चों को रिव्यू करना चाहिए कि अब इसकी क्या असर रहा है उसका। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर हैं कुलदीप जी, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। कुलदीप जी, मुझे एक बात बताइए, ये आंकड़े बहुत ज्यादा चौंकाने वाले भी हैं, डराने वाले भी हैं, इनको देखकर समाज को सहम भी जाना चाहिए कि बच्चों का क्राइम के प्रति रुझान बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए जी, जहां तक बच्चों का सवाल है, बच्चे अगर साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी आप पढ़ोगे तो उसमें ये आपको पता चलेगा कि जो बच्चे होते हैं ये इमिटेट लर्नर होते हैं, जो इनके एनवायरमेंट में जो आसपास हो रहा होता है उसको कॉपी करते हैं ये, ठीक है, या करने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी ऑलमोस्ट हमें, मुझे भी 4 साल हो गया बीइंग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मेंबर, हमने जितने भी केसेस सामने आए मैक्सिमम में ये देखा गया है कि बच्चे की या तो इन्वॉल्वमेंट वहां पर सिर्फ हाजिरी होती है क्राइम
सीन के ऊपर उसकी, जिसके तहत उसको उठा लिया जाता है। कई बच्चे जो है देखा देखी करते हैं, सिर्फ जो एनवायरमेंट में उनके उनको नजर आ रहा है, जो वो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा एनवायरमेंट है वो बच्चों के सूटेबल नहीं है। ठीक है सर, एक बात मुझे बताइए, मैं समझना चाह रहा हूँ दरअसल कि कई बार हम ये आरोप लगा देते हैं कि टीवी के वजह से, सीरियल्स की वजह से, फिल्मों की वजह से भी ये अपराध बढ़ रहे हैं, वहां से भी देखकर बच्चे अपराध की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या ये हीरो की तरह जो आजकल फिल्मों में विलेन को पोर्ट्रे किया जाता है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है? जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटरनेट है जो या मोबाइल फोन है या और फैसिलिटीज और दूसरी इस तरह की हाई टेक फैसिलिटीज हैं, उनको देख करके बच्चा उसमें से कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव कुछ भी अडॉप्ट कर लेता है। और बेसिकली डिपेंड करता है कि सराउंडिंग्स के ऊपर, क्योंकि देखो चार्ल्स डार्विन भी इसके बारे में ये लिखते हैं कि मैन एक्ट अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स। तो बच्चों के ऊपर जो असर पड़ता है उसकी सराउंडिंग्स का पड़ता है, किस सिचुएशन में, किस हालातों में जो बच्चा है वो पल बढ़ रहा है, कौन से हालात हमने उनको दिए हैं, हमारी सोसाइटी उनको क्या हालात क्या सिचुएशंस प्रोवाइड कर रही है, इसका एक मेजर इफेक्ट है। सर एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ बेसिकली, वो ये कि पहले जब हमने अपने बचपन में देखा था तो देखा था कि वो खिलौने होते थे, टॉयज के प्रति जो है बच्चों का रुझान बहुत ज्यादा होता था, वो नॉर्मल खिलौने होते थे। हम क्रिकेट खेलने में ज्यादा विश्वास करते थे, इंडोर गेम्स में लूडो, कैरम, चेस खेलने में विश्वास करते थे, लेकिन एक तो गेम्स की प्रवृत्ति बढ़ गई और दूसरा अब अगर खिलौने चाहिए भी होते हैं तो बंदूक चाहिए होती है, टैंक चाहिए होते हैं। क्या ये भी एक मनोदशा में चेंज आप महसूस करते हैं? गेम आप देखोगे सब में वो मार कुटाई वाली वायलेंस है उसमें सारा, तो उसका इफेक्ट भी बच्चे के माइंड के ऊपर डायरेक्ट पड़ता है। वो अग्रेशन नेचर में ही इनबिल्ट हो जाता है गेम्स के साथ ही, कार्टून में भी देखते हैं हम। जी वही बात कर रहा हूँ ना कि हम एनवायरनमेंट में अपने आसपास बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, हमारी सोसाइटी बच्चों को क्या प्रोवाइड करवा रही है। और दूसरी बात, अगर हम गरीब तबके के बच्चों को देखें जो रैग पिकर्स हैं या टूटी झोपड़ी स्लम्स एरिया में है, वहाँ बच्चों को क्या मिल रहा है? एजुकेशन के नाम पर तो जीरो है हमारा देश, एजुकेशन के नाम पर बहुत कुछ नहीं मिल रहा है। सर आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे सा ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो पंकज वर्मा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और कुलदीप सिंह जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आके ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्राइम की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ क्यों रहा है। एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। गुलमोहर सिटी NH-65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH-65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। दस साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा,
राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा, शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके बिना थके। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी। तो बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 999-0599-0599 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। कल 16 तारीख है और 16 तारीख जैसे ही 16 दिसंबर की वो तारीख आती है सामने, तो बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। उन चर्चाओं में से एक चर्चा होती है उस जुविनाइल की, जो इस क्राइम में शामिल था और उसके बाद जिस तरह से उस पर बहस होती है कि उसको छोड़ देना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसी से जुड़ी हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ उसी तरह की बात की, बच्चों में आखिर अपराध के प्रति लगाव क्यों बढ़ रहा है। कुलदीप जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं और पंकज वर्मा जी स्टूडियो में मौजूद है। पंकज जी मुझे एक बात बताइए कि जब हम बच्चों के क्राइम की हम बात करते हैं, तो क्या उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि बच्चों में नशे की लत जो है बहुत तेजी से बढ़ी है और नशे के कारण जो है वो क्राइम में की तरफ बढ़ जाते हैं? देखिए, बच्चे नशे में अपने आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये किसी माहौल में जाते हैं वहाँ से इनको इसकी लत पड़ती है, वहाँ से लत पड़ती है। बहुत से ऐसे ग्रुप्स एक्टिव है जो गुंडा बदमाशी वाले या मर्डर टाइप के करने वाले टाइप के ग्रुप्स जो होते हैं, वो ऐसे बच्चों को हिट करते हैं कि कौन से गरीब है या कौन से ऐसे जो बच्चे हैं जो माँ बाप की केयर में रहते हैं, वो उनको अपने साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करवाते हैं, उनकी जो इच्छाएं वो जानने की कोशिश करते हैं, उनको वो चीज सर्व करते हैं। सर्व है। करने के आपको रोकूंगा। डॉक्टर विक्रम भारती हमारे साथ हैं और ये मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए कि ये बच्चों में क्राइम की जो लत बढ़ रही है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, ग्राफ बढ़ रहा है, आपके हिसाब से क्या होता है बच्चों के दिमाग में, मनोस्थिति क्या होती है उनकी जिस वक्त ये क्राइम की तरफ बढ़ते हैं? जैसे कि मेरी समझ में आजकल हम शिक्षा की तरफ तो जोर दे रहे हैं, संस्कारों की तरफ जोर नहीं दे रहे। सारे बाप बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, हाँ। और उसमें लीवरेज कहाँ दे जाते हैं वो भूल जाते हैं कि कहाँ पे लीवरेज देनी चाहिए कहाँ नहीं। जैसे कि एक कॉमन सी बात हो गई है, 10-10, 12-12 साल के बच्चों को स्कूटी पकड़ा देते हैं, ठीक है, बिना हेलमेट के चलाना सिखा देते हैं। ये हम सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, बच्चे ने मुंह से बोला नहीं, उसकी फरमाइश पहले पूरी हो गई। बच्चे को ना सुनने की आदत नहीं रही, बर्दाश्त करने की आदत नहीं रही, तो जहाँ उसके अगेंस्ट कुछ भी होता है वो उसमें रिएक्ट जो करता है वो डिफरेंट तरीके से कर लेता है। प्लस एक और जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट सी बात है वो ये कि नशे की जो आदत है वो बच्चों में बढ़ रही है। हमारे समाज में शराब को सोशल ड्रिंक माना जाने लग गया है, फैमिलीज में या गेट टुगेदर्स में जहाँ नशा चल रहा होता है वहाँ बच्चे सीख जाते हैं कि शराब पीना गलत नहीं है, ठीक है। तो उस वो जो ट्रेनिंग चल रही है बच्चों की छोटे होते से, जिसमें उनको ये दिखाते हैं कि हेलमेट चलाए पहने बिना मतलब चला लेना, किसी भी तरीके से कानून तोड़ना पहले सिखा माँ बाप ही रहे हैं और उसके बाद जो छोटा कानून तोड़ते तोड़ते बच्चा का बड़ा कानून तोड़ने लग जाता है वो पता नहीं चलता है। आप हमारे साथ रहिए लाइन पर। सर कुलदीप जी आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ जो पंकज जी ने उठाया, क्या गैंगस्टर को ये पता होता है, गैंगस्टर्स के ग्रुप को, कि उनका इस्तेमाल बच्चों का अगर करेंगे तो बड़ी सजा नहीं होगी, इसलिए आसानी से वो छूट जाएंगे, इसलिए भी उनका इस्तेमाल करते हैं वो लोग? जी बिल्कुल, जैसे अभी बात कर रही थी बच्चों के
नशे के प्रति रुझान की, तो मेरे हमारे सामने ऐसे कई मामले आए हैं। पिछले 3 साल पहले मेरे सामने एक मामला आया था, ये बाला का एक बच्चा था जो कि बार बार एक क्राइम चोरी के केस में हमारे पास आ रहा था। हम उसको 1 महीना 2 महीना रख के छोड़ देते थे, एडमोनिश कर देते थे। तो मेरे को जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ने कहा कि अब क्या करें इसका बार बार आया, तो मैंने उनको बोला कि लेट मी चेक कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो जब मैंने उसकी पर्सनली काउंसलिंग की तो पता ये चला कि वो स्मैक पीने का आदी था और जो अडल्ट क्रिमिनल थे वो उसका मिसयूज करते थे। उस बच्चे को थोड़ी सी स्मैक दी और कुछ पैसे दिए और उससे चोरी करवाई और पूरा माल खुद हड़प लेना और बच्चे को थोड़े बहुत पैसे देके और नशा देके छोड़ देना। तब हमने उसको अपने पास रखा और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, उसकी ड्रग रिहेबिलिटेशन करवाई, उसको नशा मुक्ति का उसकी जो ट्रीटमेंट है वो करवाई, उसके माँ बाप को हमने बुलाया और उसके बाद 3 साल बाद। तो बहुत सारे पीछे कारण होते हैं इसके और उन कारणों को देखने की जरूरत है। कुलदीप जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ विजय शेखावत जी फोन लाइन पे हैं। सर आपके पास आऊंगा, उससे पहले पंकज जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जब हम बच्चों में क्राइम की बात कर रहे हैं और जब हम रेप जैसे केसेस में या छेड़खानी जैसे केसेस की बात करते हैं तो एक चर्चा अक्सर होती है कि सेक्स एजुकेशन को तवज्जो नहीं दी जा रही है हिंदुस्तान में। क्या एक बहुत बड़ा रीजन है आपको लगता है कि सेक्स पर बात करने से बच्चों से बात करने कर अपने फैमिली के लोग कतराते हैं जिसकी वजह से वो क्यूरियोसिटी में गलत डायरेक्शन बढ़ जाता है? देखिए मैं साफ स्पष्ट कैमरे के सामने बोलना चाहूंगा वास्तविकता क्या है। बच्चों को सेक्स एजुकेशन इंटरनेट अपने यार दोस्त से मिल जाती है, बट हमारे स्कूलों में उसकी सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए ताकि वो उस नॉलेज को सही दिशा में लेके जाए। वहां से उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो गलत दिशा की तरफ जाते हैं। उनको सही दिशा देनी हमारे स्कूलों, हमारे परिजन और हमारे समाज की जिम्मेदारी है। ठीक है, विजय शेखावत जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ ऑनलाइन पे हैं। विजय जी यही सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या अब ऐसा वक्त आ गया है हिंदुस्तान में, क्योंकि हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, हम कपड़ों से वेस्टर्नाइज हो गए लेकिन थॉट से हम अभी भी वेस्टर्नाइज नहीं हुए हैं और हमारा हिंदुस्तानी कल्चर और वेस्टर्नाइजेशन के बीच में बहुत बड़ा गैप रह जाता है और सेक्स एजुकेशन उसमें बीच में एक ऐसा दरार सा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बच्चे बढ़ जाते हैं उस तरफ। ऐसा जी, ये जो सारा वातावरण है जी, जिस प्रकार से बच्चों को ये आजादी के बाद जो जिस प्रकार से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए थी, जिस प्रकार से जिस प्रकार का वातावरण होना चाहिए था, वो बच्चों को वो स्कूल के माध्यम से और बच्चों के माध्यम से वो संस्कार बच्चों को नहीं मिल पाए। ठीक है, और जैसे आप ये जो सेक्स संस्कार की बात कर रहे हैं, इस प्रकार के वातावरण तो अपने हिंदुस्तान में, तो हम तो सारे दुनिया से एक अलग देश थे, हमारे संस्कार दुनिया से सबसे अलग थे। ठीक है, और विशेषकर आज जिस प्रकार से बच्चे बिगड़ रहे हैं ये सारे वातावरण का असर है, वातावरण का असर है। हाँ, शुक्रिया सर स्कूल में। हाँ जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ फोनलाइन पे जुड़ने के। पंकज जी जाते जाते एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा कि जो बात मैंने उठाई कि हम कपड़ों से वेस्टर्नाइज हो गए हैं, गाड़ियों से वेस्टर्नाइज हो गए हैं, मोबाइल से वेस्टर्नाइज हो गए हैं, लेकिन जो गैप है हिंदुस्तानियत का और वेस्टर्नाइजेशन का, उस गैप के बीच में ब्रिज नहीं हम बना पा रहे हैं, एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसका कारण है जनरेशन गैप। हमारे बच्चों ने तो उस चीज को अडॉप्ट कर लिया वेस्टर्नाइजेशन को, हमारे माँ बाप उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाए, वहां पे जनरेशन गैप आ रहे हैं, उनकी विचार नहीं मिल पा रहे हैं। माँ बाप वैसी सोच के नहीं रहे, बच्चे अलग सोच के हो गए। अगर माँ बाप भी एक सोच के हो, बच्चे भी एक सोच के हो, तो तालमेल सही हो गया। क्या विदेशों में ऐसा नहीं है? विदेशों में माँ बाप और बच्चे सारे एक जैसे सोच के हैं, बट हमारे यंग जनरेशन ने वहां का कल्चर अडॉप्ट कर लिया मगर हमारे बुजुर्ग लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे गैप आ गया, इसलिए बच्चों को सही दिशा नहीं मिल पा रही है। चलिए शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि इस पर बहुत सारे बातें हैं जो रह जाती हैं करने के लिए, लेकिन इतना जरूर है कि बच्चों को अगर क्राइम की तरफ बढ़ने से रोकना है तो जिम्मेदारी सबसे पहले आती है माँ बाप की, परिवार की, समाज की, और फिर कानून की भी जिम्मेदारी आती है कि वो कितने सख्त कदम उठाता है ताकि बच्चों के मन में भी ये डर हो कि अगर हम गलत डायरेक्शन में गए तो सजा भुगतनी पड़ सकती है। फिलहाल इतना ही, और एक छोटे से अंतराल के बाद आप देख सकते हैं संजीवनी आयुर्वेद।